राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पहले उन पर महिला ने आरोप लगाए थे, तो वहीं अब विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छह पार्टियां तो पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तक ले आईं। तो क्या है मामला, क्यों विपक्ष कर रहा है विरोध, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नहीं सोचा होगा कि उनके जुबान से निकली बात विपक्ष के खेमे तक पहुंच जाएगी और बवाल की वजह बन जाएगी। उनके संसद में मौजूदगी को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि दो और पार्टियां पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आईं। शिवसेना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गोगोई के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले टीएमसी, कांग्रेस, सपा, सीपीआईएम भी राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। अब जिस बात को लेकर बवाल मचा है उस पर गौर करें तो रंजन गोगोई से हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि कोरोना को लेकर सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू किए गए हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था मुझे बहुत सहज नहीं लगती। जब मेरा मन करता है, जब मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर मुझे बोलना चाहिए, मैं राज्यसभा चला जाता हूं। मैं एक मनोनीत सदस्य हूं, किसी पार्टी के व्हिप मुझ पर लागू नहीं होती, इसीलिए भी मैं वहां अपनी मर्जी से जाता हूं और अपनी मर्जी से बाहर आ जाता हूं। रंजन गोगोई के इस इंटरव्यू को लेकर विपक्षी दल खफा है। इसी को लेकर कई दलों ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दायर किया है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि बयान से विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब अगर राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को योग्य मानते हैं तो इसे हाउस प्रिविलेज कमेटी को आगे भेजा जा सकता है। राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित होने पर सदस्य की राज्यसभा सदस्यता भी जा सकती है। तो अब देखना होगा कि रंजन गोगोई पर क्या कार्रवाई होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।